18 फरवरी से एग्री अनुकरण वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा व्यापम घोटाले को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल के बावजूद कोई भी अधिकारी छात्रों की सुध नहीं ले रहा है, ना ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर मंगलवार को कृषि कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने रोड पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसी मामले को लेकर मौके पर पुलिस पहुंची। सैकड़ों छात्रों ने रैली बना करके अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान छात्रों का कहना था कि हमें मजबूरन जेल भर आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके बाद 23 मार्च को फांसी दो आंदोलन भी किया जाएगा। कॉलेज में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। छात्रों को 3 पुलिस वाहन में भर कर ले जाया गया। छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। अभी करीब 50 से 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मांगों को लेकर रैली निकालना चाह रहे थे और कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धाराओं के अंतर्गत इनको CID जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या मांगे थी इन लोगों की और क्यों मिलना चाह रहे थे लोग? नहीं, इनकी जो मांगे हैं व्यापम को लेकर कोई मांगे थी संबंध में माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था। जाँच गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, लेकिन इनका ऐसा कहना था कि समय ज़्यादा हो गया और हमारी जांच का नतीजा नहीं आया, तो प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में इनको बताया जाएगा, आप जाके वहाँ बात करिए। इनको वहाँ माननीय मंत्री जी आए तो उन्होंने बुलाया भी था कि आप भोपाल आ जाइए, कि बात तो बताइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हुए इन्होंने यहाँ किया और बिना परमिशन ये रैली निकाल रहे थे, स्पेशल की गिरफ्तारी की गई। अभी सर क्या कार्रवाई होगी सर इनके ऊपर, किन किन धाराओं के तहत मामला इनके ऊपर? अभी प्रतिबंधात्मक धाराएँ लगेगी, उसमें गिरफ्तारी।